Hello and namaste everyone, welcome or welcome back to the channel. This is your dose with you. This video is gonna be about the foundation course. Well, let me explain you before starting the video ki foundation course hota kya hai. So as you are very new to the MBBS environment and the environment of college, aap logo ko ek orientation diya jata hai how the things will be going in college and a little bit fun classes ताकि आप थोड़ा सा comfortable हो सको with the माहौल of MBBS. हम अभी तक class के लिए vlog बना रहे थे, अब मैंने सोचा चलो YouTube का भी content shoot कर लिया जाए. हमारे साथ आज special guest है आदित्य. जलवा है हमारा. और श्रुति माथुर vlogs को तो आप जानते ही हैं, अभी धीरे धीरे मैं इनका भी चैनल खुलवाने वाली हूँ. अरे excitement मतलब क्या? उसके बाद अभी हमें जाना है फाउंडेशन कोर्स के लिए, ठीक है. और आज का दिन बहुत ही chaotic था. अच्छा दूसरे से करते हैं प्यार हम, बस कंटेंट दिखा नहीं, ये लोग कैमरा. कंसेंट की जरूरत नहीं है, सुमित को ऑलरेडी कंसेंट ले चुकी हूँ. हाँ तो अब हम जा रहे हैं जीव पंत LH1 जा रहे हैं अटेंड करने के लिए. पहले हमें वीडियो बनानी है, और वो किस चीज के लिए बनानी है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी. अब अगर मैं बोलूंगी कि इसको तुम कोई फिल्टर डालना, तो ये ना मेरे वर्ड्स को तुम हाईलाइट करके मुझे सबटाइटल्स में लिखेगी. मीम भी डालूंगी वुमेन वाला. हमारी फाउंडेशन कोर्स की लास्ट क्लास शुरू होने से पहले हमारी एक और क्लास थी फिजियोलॉजी की, जहाँ पर लोगों ने अपने कोविड के एक्सपीरियंसेस बताए. क्यों हिला डाला ना? सो फाउंडेशन कोर्सेज आर हेल्ड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ MBBS. सिंस बैच 2022 की क्लासेस थोड़ी डिले हुई थी, तो वी यूज टू हैव आवर फाउंडेशन क्लासेस ऑन द सैटरडेज. दिस वीडियो वॉज रिकॉर्डेड ऑन May 13th, 2023 व्हेन वी हैड आवर लास्ट क्लास ऑफ फाउंडेशन कोर्स. तो जैसे कि आपको बताया लास्ट डे है फाउंडेशन कोर्स का, तो हमने सोचा कुछ नया करते हैं. संजय सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमारे लिए फाउंडेशन कोर्स वो किया था. उस सब तो भी स्टेज पे जाके एक्सपीरियंस हम तो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों का एक्सपीरियंस पूछेंगे. सो आर एनाटॉमी एसोसिएट प्रोफेसर संजय सर अरेंज द होल फाउंडेशन कोर्स फॉर अस. सो ऑन द लास्ट डे वी वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर अरेंजिंग सच अ नाइस फाउंडेशन कोर्स. आपको कैसा लगा सच बोलो? खुश हो ये बढ़िया था गुरु. बहुत मजा आया फाउंडेशन कोर्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा. सुन ऐसे हाथ में माइक है हमारा. तो फाउंडेशन कोर्स तो बहुत अच्छा था, बट वो LH में बहुत गर्मी हो जाती थी, इसलिए मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लोग आते नहीं. सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ. ऐसे ट्रिक्स और होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन. तो चलिए अब हम AIQ कोटा वालों की सुनते हैं कि उन्हें कैसा लगा. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वी गेन वेरी मच नॉलेज. आई गो फॉर एक्सपीरियंस एज वेल. Although I have not attended all the classes of foundation, but it was quite well, and I think the class of meditation was best. Thank you sir, आप बहुत अच्छे मेंटर हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, बहुत अच्छे गाइड. वाह वाह वाह, मैं कोमा में चली गई. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम. कोमा में जा, कोमा में सर बात नहीं कर सकते. बहुत अच्छा लगा था जब वो स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा बोरिंग लगा था, लेकिन जाते जाते थोड़ा अच्छा लगा. और एक वन टूर का केवल कमी इस बात का लग रहा है, दो एक्सकर्शन से खत्म हो गया, और भी एक्सकर्शन चाहिए था. वाह मोदी जी वाह. हाय संजय सर. यूजुअली हम बहुत कमी क्लास अटेंड करें, ये सब
अब आए ना लाइन पे। सबसे अच्छा बात है कि फाउंडेशन क्लास की वजह से हम लोग को फुल एक मंथ नहीं लिए और सैटरडे सैटरडे रखने की वजह से हम लोग बहुत टाइम सेव भी हुआ। तो एक्चुअली आप मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन पर्सन बन गए यहाँ आके। और आइस ब्रेकिंग सेशन रख के हम लोग जो अंदर का वो एक चीज होता है उसको तोड़ के बाहर लेके आए। तो अब हम आए एक ऐसे स्टूडेंट के पास जिसने ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी है। फाउंडेशन कोर्स इट्स लाइक अ फाउंडेशन से नींव होती है बिल्डिंग की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आगे आके हमारे काम आएंगे। तो या वेरी गुड, वी हैव वी वेंट टू ट्रिप्स लेक्चर्स कल्चर प्रोग्राम्स एवरीथिंग। तो था बढ़िया था, फाउंडेशन का नाम तो लगा। पहले एक दो तक फाउंडेशन रहेगा, जो क्लास रहेगा ठीक है, उसके बाद जाके मेन क्लास शुरू होएगा। पता नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। तो गाइस अब ये जो अगला इंसान जो आपके सामने बोलने जा रहा है, ये इंसान ही हमारी पूरी क्लास के लिए बहुत स्पेशल है, तो इसलिए इसके लिए स्पेशल एंकरिंग तो बनती है। तो पेश है आप सभी के सामने हमारे प्यारे सीआर सर। तो ये फाउंडेशन कोर्स हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग भी आए थे, बाहर से टीचर्स भी आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अरे सबसे अच्छा चीज़ हमको ये लगा कि सर अपने को घूमने ले जाने गए, उसका भी इंतजाम। हाँ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सबसे बेस्ट पार्ट था ट्रिप्स, ट्रिप्स एंड डांस। बल्कि मेरा चश्मा घुमा था तब भी बहुत मस्त, सेमा मेमोरीज, सुपर मेमोरीज। और इतना ही बोलूंगी कि फिर से फाउंडेशन कोर्स कब होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, प्लीज दोबारा करवा दो, बहुत जरूरत। फाउंडेशन कोर्स था हमारा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, वो करिकुलम के बाहर की थी तो वो भी अच्छा था। कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा मेडिकल कॉलेज में कुछ हो रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, जिससे हम सीख पा रहे हैं। A few moments later. श्रुति हम कितने दिन बाद आ रहे हैं इस क्लास में? मैं तो एक हफ्ते बाद आ रही हूँ, ये आपकी जो ब्लॉगर है वो आती नहीं थी कोई फाउंडेशन क्लास अटेंड करने, ये फंस गया सी है। संजय सर प्लीज ये ब्लॉग मत देखना। और मैं आपको बताऊँ कि अभी हम क्लास में बिल्कुल अकेले हैं, मतलब हैं दो ही लोग और हैं, पूरी क्लास खाली है। वाओ ब्यूटीफुल। वेल क्लास शुरू होने में थोड़ा टाइम था एंड दिस वाज द बेस्ट वे टू स्पेंड आवर टाइम। तो आज एज चीफ गेस्ट मैं इनवाइटेड हूं यहां पे, ये इसकी गलत फहमी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मुजरा चालू किया जाए। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, 5-10 मिनट में, और अभी वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है डांस। वाओ क्या सही है ना, मतलब कितने ज्यादा हम लोग पंचुअल हैं इन सब चीजों के लिए। वो देखो सुहाना भागते हुए आ रही है। ये हमारी शक्ल है जब हम थोड़ा स्ट्रगल करके आए हैं OTG और टाइप सी के बीच में। अभी हमें फीडबैक फॉर्म भरने को दिया है जिसमें मेरा बस चले तो मैं 0 डालूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? लगता है फॉर्म चाहता ही नहीं कि हम उसे भरे। आज का दिन सच में क्योटिक है। हम लोग अभी डस्ट में गए थे और हम लोग को बहुत खांसी आ रही है। हम लोग फर्स्ट बेंचर थे। एग्जैक्टली, और अब हम मिडिल बेंचर हो गए, 4, 5, 6, अब हम 6th बेंचर बन गए हैं। फर्स्ट सेम से 6th में आए हैं, ऐसे तो हम कभी पीछे बैठते ही नहीं है। हम हमेशा हमारे घर वालों को बहुत दुख होगा सुनने के हम लोग पीछे बैठे हैं, पर क्या करें, एलर्जी IgE एक्टिव हो गया। अरे उसको वो बार बार वो देखिए सारे जमीन पर, सारे जमीन पर एक पास लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हम वीडियो तो दिखा कर जाएंगे कैसे भी। लोगों को ना आंखें निकाल के यहाँ पे सजा देंगे। हाँ, जब लाइट आएगी तो हम लगाएंगे। 4, 3, 4, 2, 2, 2, 0, 0. After our unsuccessful attempt of playing the video and filling the feedback form, we had a small cultural event because this was the last foundation course. Socho tere baare mein har pal ka lamha. Tere mere beech ke faasle kab ho jaye? Bachcha tum mera suraj, main teri aasma. Kaise batae tujhe? Tere saath bitaye.
कुछ पंक्तियां हैं हमारी तरफ से उस प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कन्वर्सेशन होती है। तुम आई जैसे चीनियों में आता है धीरे धीरे रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए बस। मैं तुझे फिर मिलूंगा, पता नहीं कहां कैसे, लेकिन मैं तुझे फिर मिलूंगा। परफॉर्मेंस करने के लिए आप लगा कर नया हिस्सा अभी आने वाले हैं देसी कलाकार। Finally, it was concluded with a small prize distribution session to the students who attended it regularly, and of course, a group photo. Thank you.